पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दुश्मन भारत को मानता है। नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए तो पाकिस्तान का धुआं निकल जाता है, लेकिन आज पाकिस्तान जिस स्थिति में है उसे अब नरेंद्र मोदी अच्छे लगने लगे। वहां नेताओं के सपने में नरेंद्र मोदी आते हैं। पाकिस्तान में अब दबी छुपी बातें होने से लगी हैं कि भाई पाकिस्तान को अगर संकट से निकालना है तो पुरानी घिसी पिटी बातें करना बंद करके भारत और नरेंद्र मोदी की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान में एक जाने माने एक्सपर्ट हैं शाहिद चौधरी, जो पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और डिफेंस के मामलों में लिखते बोलते रहते। उन्होंने तो पिछले हफ्ते पाकिस्तान के बड़े अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिख दिया कि पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के नाम से लोग नफरत करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत को ब्रांड बनाने के लिए कुछ ऐसा किया जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया। अच्छा, पाकिस्तान के अखबार में नरेंद्र मोदी की तारीफ पहली बार छप रही, सोचिए किस लेवल पे चले गए होंगे कि आप उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कितना अंदर रखे तो मोदी जी की तारीफ कर दिया अखबार में, कह रहे कि जो मोदी जी ने किया वो और कोई कर ही नहीं पाया उनसे पहले। सबसे अहम बात यह है कि भारत जो चाहता है वो करता है और उस हद तक जाता है जहां तक उसकी जरूरत है। जैसे भारत को रूस के सस्ते तेल की जरूरत थी और रूस को भारत की जरूरत थी, तो भारत ने अमेरिका की परवाह ही नहीं की। इसी पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट शाहिद चौधरी ने अपने लेख में लिखा कि रूस पर अमेरिका के प्रतिबंध हैं और रूस से कोई भी व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन भारत की बात अलग है। भारत अपनी शर्तों पर रूस से तेल खरीद रहा है और इसे री एक्सपोर्ट करते डॉलर भी कमा रहा है। अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन दोनों मिलिट्री सुपर पावर भारत को अपना सहयोगी मानते हैं। अगर यह कूटनीतिक तख्तापलट नहीं है तो फिर क्या है? पाकिस्तान के लोग लिख रहे हैं भाई कि इंडिया के सामने इस वक्त अमेरिका की भी नहीं चल रही। अगर रूस और अमेरिका दोनों भारत के साथ खड़े हैं तो इसकी वजह है आज की दुनिया में भारत का सबसे महत्वपूर्ण होना। पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी भारत की ताकत समझते हैं। शाहिद चौधरी ने अपने लेख में कहा कि आज दुनिया के लिए भारत बहुत जरूरी है। भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। 2037 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया में चौथा बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास है। भारत के पास 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.5 अरब डॉलर। भारत के सामने पाकिस्तान की अब कोई हैसियत ही नहीं, और यह बात अब खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स खुलकर मानने लगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने लिखा कि 1992 में भारत के पास 9.2 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो 2004 में 100 अरब डॉलर हुआ, मनमोहन सिंह के राज में 252 अरब डॉलर तक गया, और अब नरेंद्र मोदी ने इसे 600 अरब डॉलर पर पहुंचा दिया और जीडीपी का आकार 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कर दिया। सऊदी अरब, जिसे पाकिस्तान अपना भाई कहता है, वो भारत में 72 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है और पाकिस्तान सऊदी अरब से भीख मांग रहा है कि वो उसके यहां 7 अरब डॉलर का निवेश कर दे। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स अब पाकिस्तान से भारत को लेकर नीति बदलने की सलाह दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान कंगाली और बर्बादी से बाहर निकल सके। शाहिद चौधरी ने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया कि कोई माने या ना माने, अनुच्छेद 370 हटाकर भारत ने पाकिस्तान को किनारे लगा दिया। पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो रहना चाहिए, लेकिन नई सच्चाई भी देखनी चाहिए। हमारे पड़ोस में जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उससे फायदा लेने वाली नीतियां बनानी चाहिए। पाकिस्तान तभी बेहतर होगा जब वो आर्थिक रूप से ठीक होगा। इसलिए भारत के खिलाफ वही पुरानी बातें छोड़नी होंगी। यानी एक तरीके से वो ये समझा रहे हैं कि तुम मोहल्ले भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हो, लेकिन पड़ोस में सिर्फ अपने ईगो की वजह से नहीं मांग रहे, जबकि सबसे ज्यादा मदद वहीं से आ सकती है और वो पड़ोस में भारत। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये चेतावनी भी देने लगे कि अगर पाकिस्तान ने अब भी खुद को सुधारा नहीं तो वो इतिहास के पन्नों में फुटनोट पर चला जाएगा। फुटनोट क्या है? जो नीचे नहीं लिखते हैं, कह रहे हैं तुम्हारी हैसियत ये रह जाएगी कि तुमको नीचे लिखेंगे और इंडिया टॉप पर। भारत अब दुनिया को लीड कर रहा है बॉस। शाहिद चौधरी ने लिखा कि दुनिया में भारत ने जो पहचान बना ली है वो शानदार है। भारत को G7 में बुलाया गया, G20 देशों का वो सदस्य है। मोदी ने भारत को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से भारत दुनिया में बड़ा प्रभाव डालने की शुरुआत कर चुका है। टाइम आ गया है कि पाकिस्तान भारत को लेकर अपनी नीति बदले, नहीं तो पाकिस्तान हिस्ट्री के फुटनोट पर चला जाएगा। तो पाकिस्तान में बैठे लोगों को समझ में आ रहा है कि इंडिया रॉकेट बना हुआ है, लेकिन हमारे यहां
हमारे यहाँ कुछ लोग मानने को तैयार नहीं, उनके अंदर का पाकिस्तान जिंदा रहता है, उनको लगता नहीं नहीं किसी तरह से इंडिया को नीचा दिखाओ, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। भारत की ताकत देखिए कि अमेरिका और यूरोप के लगातार दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना कम नहीं किया। जो पाकिस्तान बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है, यहां लोग नहीं बताएंगे, मैं तो बताता हूं। हाल ही में दिसंबर के आंकड़े आए तो पता चला कि जिस रूस से भारत ने, अब आप देखिए कितने कमाल की बात है, तेल का आयात पिछले साल रूस से कितना तेल भारत लेता था, 0.2% कच्चा तेल लेता था, 0.2%, 1% भी नहीं। अब उस रूस से अपने कुल क्रूड ऑयल का अब रूस से कितना तेल भारत ले रहा है, 25% बॉस, 25%, 0.2% से आज की डेट में हम रूस से 25% कच्चा तेल ले रहे हैं। कब? जब अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप कान के पास चिल्ला रहे हैं कि मत लो इससे, मत लो इससे, हट लेंगे क्योंकि हमारे लिए जरूरी है, ले रहे 25%। और रूस आज की डेट में नंबर वन हो गया है जिससे हम तेल लेते हैं। दिसंबर 2021 में 36,255 बैरल प्रतिदिन लेते थे, नवंबर 2022 में 9 लाख बैरल लेने लगे और दिसंबर 2022 में 11.9 लाख बैरल प्रतिदिन लिया है, करीब 12 लाख बैरल प्रतिदिन। कहां 36,000, कहां 12 लाख बैरल। उधर पाकिस्तान का हाल यह है कि पाकिस्तान भी महीनों से लगा है कि उसे भी रूस से सस्ता तेल मिल जाए, क्योंकि उसके यहां तो तेल, बिजली, गैस की बड़ी किल्लत है, उसका तो खुद का तेल निकला हुआ है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर है, लेकिन उसे रूस का सस्ता तेल मिल ही नहीं पाया। दिसंबर में पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा था कि रूस से पाकिस्तान को भी डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल मिलेगा, सस्ते रेट पर रूस से कच्चा तेल लेने पर बात करने के लिए पाकिस्तान के मंत्री रूस भी गए थे, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि रूस से तेल खरीदने के बारे में पाकिस्तान सोच नहीं रहा और रूस से तेल सप्लाई होने में अभी काफी टाइम लगेगा। अब पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने फिर दावा किया है कि 19 और 20 जनवरी को रूस की टीम पाकिस्तान आएगी और इसमें रूस से तेल खरीद पर फाइनल बातचीत होगी। रूस से पाकिस्तान सस्ता तेल खरीदना तो चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को डर है कि कहीं अमेरिका और का डंडा उस पर ना चल जाए, इसलिए रूस से तेल खरीदने पर वो डर डर कर बात कर रहा है। अमेरिका को भरोसे में लेकर ही पाकिस्तान रूस से तेल खरीद पाएगा, जबकि भारत तो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर रूस से तेल खरीद रहा है और अपनी जरूरत के हिसाब से भर भर के तेल खरीद रहा है।